नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जैचल डीसी फिटनेस चैनल से। आजकल हम जो है वीक पॉइंट्स को लेकर ही बातें कर रहे हैं और उसी का वर्कआउट हम आपको सिखा रहे हैं, करा रहे हैं, समझा रहे हैं। और आपका आज का हमारा जो वीक पॉइंट है वो है नेक। नेक के बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ मैं। नेक वर्कआउट बहुत ही कम बच्चे करते हैं और आजकल आप देखते हैं कि जितनी भी नई जनरेशन है सबकी नेक में सर्वाइकल है, किसी को कुछ दर्द है, किसी को काफ़ी दिक्कतें आई हुई नेक में। वजह क्या है? क्योंकि हमारा ये पूरी नेक हमारी कमज़ोर रहती है, इसका वर्कआउट नहीं करते। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ। और हाँ, इसका कॉम्बिनेशन इस मसल के साथ जुड़ा हुआ है, आपको वो भी समझाना चाहता हूँ। हमारा जो है नेक का कॉम्बिनेशन हमारा जो है शोल्डर ट्रेपीजियस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका वर्कआउट इसके साथ करना है। कैसे करना है आज मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ और इसका वर्कआउट कितना ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। हाँ, करण नाम ज़रा ये बताओ। अब जैसे ये बार बार फ्रंट रेज है, ये ट्रेपीजियस के लिए करिए जनाब। ये अब देख रहे हैं, से पूरा ट्रेपीजियस डेल्टियोड ये चल रहा है हमारा, पूरा इस पर इफेक्ट आ रहा है इसका, ठीक है। और नेक भी चल रही है, लेकिन नेक पे क्या है, मसल नेक मसल पे इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। रखो, ये हो गया। अब डम्बल उठाओ, डम्बल सेलेटरल हो गया, जैसे डम्बल सेलेटरल है, हाथ सीधा थोड़ा। हाँ, ये रिलैक्स, ये डम्बल सेलेटरल की है। इसमें क्या है, ये सारा ये वर्कआउट हमारा जो है ये नेक के मसल पे आता है इसका इफेक्ट। ये ट्रेपीजियस से हमारा, एक जरा उठा दे, बैक से करके दिखाओ डम्बल सेलेटरल दोबारा। ये हाँ सीधा थोड़ा, हाँ ये यहाँ तक आ रहा है लेकिन यहाँ इफेक्ट नहीं आ रहा उसका। रखो नीचे, ये आपकी फ्रंट रेज डम्बल साइड लेटरल, डम्बल फ्रंट रेज होगी, अपराइट रो होगी। आप ये सभी कुछ करते हैं, शोल्डर प्रेस, फ्रंट बैक, डम्बल प्रेस, लेकिन क्या नेक के लिए कोई नहीं करता कुछ भी ज़्यादातर। आज मैं आपको नेक का वर्कआउट बताना चाहता हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सर्वाइकल से भी आप बच पाएंगे उससे और आपकी नेक भी थोड़ा मोटी हो जाएगी। क्यों, यहाँ के जो हमारे अधिकतर जितने मैं देखता हूँ बच्चे कोई करता ही नहीं है या उनको पता नहीं है जो भी है। आज मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें कैसे करना है। लेटो साइड से, ओके, ये आपने ऐसे लेट जाना है बेंच के ऊपर, ठीक है। और ये गर्दन आपकी पूरी सीधी जाएगी ऐसे। अब ये देखिए आप, ये पूरा हमारा मसल नेक का चल रहा है, ये ठीक है। ये ऐसे रखना है, हाँ पूरा नीचे जाएगा ये पूरा, ये स्टॉप। इसके आपने 20 से 25 रेपिटेशन आपने लगाने हैं। एक साइड तो ये हो जाएगी, फिर दूसरी साइड चेंज करो आप। फिर ये साइड हो जाएगी, इसमें पूरा सीधा रखना है आपको नेक को। ये कान ऊपर तक आएगा ऐसे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। इसके भी 20 से 25 रेपिटेशन आपके हो जाएंगे। ये देखिए पूरा मसल चल रहा है नेक का, इसी के साथ इसका कॉम्बिनेशन है जो कि हम कर ही नहीं पाते हैं, करता ही नहीं है कोई। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ ये कितना ज़रूरी है। और जिनको सर्वाइकल है उससे ही बच पाएंगे, सर्वाइकल भी दूर हो जाएगा आपका। रिलैक्स, ये दो साइड होगी आपकी, आप फ्रंटों के लेट जाइए। आप हाँ ये हाथ ऊपर, थोड़ा पीछे, थोड़ा थोड़ा पीछे। इसमें गर्दन को पूरा नीचे लटकाना है आपने, ये यस ऊपर लाओ, ये ऐसे करना है। हाँ, इसके भी आपको 20 से 25 रेपिटेशन लगाने हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, रिलैक्स। अब
चौथी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ आपको, उल्टे होकर लेट जाओ, ये हो गया, चलो ये बैक पे आएगा इसका पूरा नेक, यस चलो थोड़ा जल्दी करो, हाँ ये इसके इसके भी आपको 20 से 25 रेपिटेशन आपने लेने हैं। रिलैक्स, जब आपका आप इसको करने लग जाओ, अभी तो जैसे तो रेस्ट लेके कर सकते हो, इसके भी आपको 3 से 4 सेट लेने हैं आपने, 25-30 इसके आप रेपिटेशन भी बढ़ा सकते हो, खड़े हो जाओ, और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपकी जो भी है, ये आपके जो मसल है ये सारा, ये नेक ये भी निकल के आ जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, इससे कि आपका ट्रैपेजियस मसल बहुत अच्छा हो जाएगा, गर्दन मोटी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा लगेगा, और बाकी शोल्डर में इसका इफेक्ट तो बहुत ही रहेगा। आप इसको करके देखें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और रिजल्ट भी मिलेगा, बाकी आप समझदार हैं, ओके।